बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपके वेब सीरीज के यूजर्स और आए हैं, बहुत ही लोगों में बहुत ही रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कैसे कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है सर। नहीं आप ओके रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स बहुत मिलता है, मुझे कम मिलता है। वेल एवरीबडी इज रियली एक्साइटेड, सब बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं ट्रेलर के बारे में, सबको ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, दे आर इंट्रीग टू नो कि आगे क्या होता है। एंड द गुड थिंग इज कि ट्रेलर इज क्रिएटिंग दैट होल यू नो इंटरेस्ट इन पीपल, जो दे आर थ्रिल्ड अबाउट इट एंड या दे आर वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। सब वेट करें 22nd का एंड सो आर वी। जैसे इन्होंने कहा कि इंट्रीग एक थ्रिलर लगता है, लेकिन सही मायने में ये स्पिरिचुअल थ्रिलर है। और जो सेकंड ट्रेलर है आई थिंक उसके ज़रिए कुछ ज़्यादा, बिकॉज पहले में ज़्यादा थ्रिल दिखा जो अर्जुन के साथ ज़्यादा था। सेकंड में जो बाकी के कैरेक्टर्स आते हैं, जो नीरज का कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर है, तो कुछ लगता है कि नहीं कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा है इसमें कुछ, तो एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है। एंड आई थिंक सेकेंड ट्रेलर से इंट्रीग और बड़ा, अभी इज़ जस्ट रिलीज सो यू नो वी डोंट येट नो कि कहाँ तक, अभी वक्त लगता है, 1-4 दिन लगेंगे, बट आई एम श्योर कि ये एक मुझे इसमें अच्छी बात क्या लगी बताऊँ आपको सही मायने। कई लोग सोचते थे कि वेब यानी कि सेक्स एंड वायलेंस में सेंसरशिप नहीं है, तो आप यू कैन एक्सप्लॉइट दैट, और उसी लिए लोग वेब पे आएंगे कि भाई अलग क्या, हम फिल्मों में जो नहीं देख पाते हैं या टेलीविज़न पे नहीं देख पाते वो हम वेब पे देखेंगे। ये कुछ लोगों की थिंकिंग थी, तो शॉक वैल्यू के लिए द वेब कंटेंट बिकेम कि गाली होगा और वायलेंस होगा और सेक्सुअलिटी होगी। इसमें नहीं, विच इज़ व्हाट आई लव्ड, इसमें प्योरली कॉन्सेप्ट है कि नहीं, अगर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो शायद फिल्मों में उनको लगेगा पता नहीं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल लग रहा है, बट इट्स नॉट। और इस कहानी को बोलने के लिए 3 घंटे काफ़ी नहीं थे, तो कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो एक फिल्म में समाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए होता है, जहाँ पे ये वेब सीरीज शॉर्ट सीरीज़ का एक जोन जो एक खुला है, तो आई थिंक बहुत सही जोन है। और ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है जो प्रिया कुमार ने लिखी है, उनकी किताब पर आधारित है ये कि आई विल गो विथ यू, और इसको अडेप्ट किया है विजय ने, एंड बहुत खूबसूरती से अडेप्ट किया है स्क्रीन प्ले को जिस तरह से लिखा गया है। और ये कुछ हम जो आई थिंक 5 or 6 ऑफ अस, आई थिंक देयर अर्जुन, देयर साक्षी, देयर अनु, देयर मी, देयर नीरज, देयर पौला एंड अंशुमन, सो ये हमारे मेन किरदार हैं। एंड वो थ्रिल रखा है, ऐसा बोरिंग नहीं होता है। एट द सेम टाइम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ अ जर्नी के हम क्या खोज रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, जिंदगी और मौत फ़र्क क्या है, इंसान के नज़रिया कैसे बदलता है जब उसे पता चलता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो ये कुछ चीज़ें एक्सप्लोइट की गई है स्क्रिप्ट के जरिए। आई थिंक बहुत आप दोनों बहुत टाइम से इंडस्ट्री में है, यू हैव डन डिफरेंट डिफरेंट रोल, सो अभी तक के कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला या करना हो आपको इन फ्यूचर? ड्रीम प्रोजेक्ट वो तो आते रहेंगे, यू गेट नाइटमेयर प्रोजेक्ट्स तो वो भी होता है, बट ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो हाँ मिले हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे किए। और लाइक इन्होंने अभी कहा कि वो उसका अंत नहीं होता है एक्टर के लिए, अगर एक एक्टर है जो खोजते रहता है कि मैं अब नया क्या कर सकता हूँ, किस तरह से अपनी कला को पेश कर सकता हूँ या कुछ और बन सकता हूँ, तो वो तो अंत तक चलता रहेगा। और उसी की अगर एक डेडिकेटेड एक्टर है तो वो अंत तक ये कोशिश में लगा रहेगा कि मैं और क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ और अपने आप को किस तरह से बेहतर पेश कर सकता हूँ। तो आई थिंक मैं तो यही खोज में हूँ कि और क्या कर सकता हूँ, और बहुत कुछ करना है, मंजिलें और भी हैं, यू नो या सितारों के। नथिंग दैट ही इज जस्ट पैराफ्रेज्ड इट ब्यूटीफुली, बिकॉज़ एज एक्टर्स यू स्टिल जस्ट कीप वांटिंग टू डू, एंड आई थिंक इट विल बी अ डेथ ऑफ एन एक्टर इफ दे फील अकम्प्लिशन, इफ दे फील कि हमने सब कुछ कर लिया, दैट देयर नेवर बी अ टाइम। इमेजिन हाउ मेनी काइंड ऑफ पीपल एंड पर्सनालिटीज आर देयर, एंड आई थिंक मेरा तो कोई जर्नी रहा ही नहीं है, बट ईच ऑफ अस हैव ओनली एक्सप्लोर्ड एन आयोटा व्हाट कैन बी एक्सप्लोर्ड, यू नो। तो और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम अब चालू हुआ है हमारे इंडस्ट्री में कि जहाँ काफ़ी कुछ बन रहा है एट द सेम टाइम, एंड सब आपस में भी एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को एडमायर कर रहे हैं, वी आर ऑल इन्जॉइंग द जर्नी टुगेदर। एंड आई थिंक आफ्टर जो मुझे पहले की हमारी मूवीज़ लगती थी 50s 60s की जो मैं अभी देखती हूँ, तो मुझे लगता था कि आह
ये काम कब करने को मिलेगा. जैसे मुगले आजम एक फिल्म है जो मतलब वो है, अमीना कुमारी के कितने सारे किरदार हैं, अस्मिता पाटिल के किरदार हैं, जो देख के लगता है कि कैसे काम किया होगा, कैसे शूट किया होगा, किस तरह की मूवीज बनी थी. एंड अब जो फिल्म्स बन रही हैं इधर में, आई सी द सेम एनर्जी इन एक्टर्स एंड देर ऑल वर्किंग एज अ टीम. एंड सो या आई थिंक लॉट कैन बी डन एंड लॉट विल बी डन इन कार टाइम्स. ओके, जैसे अपार्ट फ्रॉम फाइनल आपके और एक जो प्रोजेक्ट है वो टोटल धमाल वो रिलीज होने वाली थी, बट साथ में रिलीज हो रही है ड्यू टू द अटैक. हमने सुने कि वो पोस्टपोन हो गई है जो कश्मीर में अटैक हुई थी. यार ये खबर तो आप मुझे दे रहे हैं, मुझे तो नहीं पता. सो व्हाट डू यू लाइक टू से अबाउट द पोस्टपोन ऑफ द मूवी. देखिए यार पोस्टपोन मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ये खबर मुझे अभी मिली है, बिकॉज मैं कुछ काम में था तो मैं प्रोड्यूसर से कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाया. बट किसी वजह से अगर पोस्टपोन हुई है तो कोई वजह होगी. और ऑब्वियसली ये जो माहौल बना है ये कंड्यूसिव नहीं होता कि लोग फिल्में देखें. कभी कभी एक गम, गुस्सा, बहुत सी चीज़ें, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सी फीलिंग्स आ जाती हैं जो हिंदुस्तानी लोग हैं. और क्योंकि ये फिल्म हिंदुस्तान में लगने वाली है तो उन्हें लगता है कीपिंग दैट इन माइंड, मे बी आई डोंट नो, बट हो सकता है इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा डिले करके पोस्टपोन किया. ओके, फाइनली सर आपके फैंस को क्या कहना चाहिए 22 फेब को ये रिलीज होने जा रही है द फाइनल कॉल. प्लीज वॉच इट, शो अ लॉट ऑफ लव. बहुत अब कन्विंसिंगली नहीं बोल रही हो तुम यार. प्लीज वॉच इट, प्लीज वॉच इट, इसको खूब एंजॉय करिए. हमने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, खूब दिल लगा के काम किया है, एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे. हां, गो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी विद अस. बिल्कुल, यस. व्हाइल वी देखिए ये इतना प्यारा चेहरा देखने को मिलेगा आपको 8 एपिसोड में इनके साथ. थैंक यू, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. ओके, थैंक यू.